कैबिनेट मंत्री श्री बघेल ने फिरोजाबाद में रेपरा प्राथमिक विद्यालय में स्कूली बच्चों को बैग वितरण करते हुए कहा कि हमारी सरकार शिक्षा पर बहुत जोर दे रही है और बच्चों की भावनाओं को भी ध्यान में रखा जा रहा है। बच्चों को चौक की यूनिफॉर्म वितरित की जा चुकी है और सर्दियों में उन्हें स्वेटर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह यूनिफॉर्म ऐसी है जिसे कहीं भी विवाह शादी में भी पहनकर जाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार शिक्षा की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दे रही है। फिरोजाबाद से अमित पारासे की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। सरकार के बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आज नारकी ब्लॉक के प्रसिद्ध विद्यालयों में बच्चों को निःशुल्क बैग वितरण किया जा रहा है। इसके पूर्व सरकार छात्रों को, जो बच्चे आप देख रहे हो यूनिफॉर्म पहने हैं, इस यूनिफॉर्म का वितरण किया गया। आज बैग का वितरण किया जा रहा है और जैसे ही अभी सर्दियों के दिन आएंगे निःशुल्क स्वेटर का भी वितरण सरकार द्वारा किया जाएगा। पूर्ववर्ती सरकार ने बच्चों की ड्रेस का कलर, पैंट और शर्ट दोनों खाकी, स्कर्ट और ब्लाउज शर्ट दोनों खाकी करके बच्चों में हीन भावना पैदा की थी। आप एक दृष्टिपात अगर इस ड्रेस पर करेंगे तो आज के ज़माने में जो लेटेस्ट फैशन है चेक का, छोटी चेक का, वो वाला कपड़ा बच्चों को दिया जा रहा है। बच्चे हीन भावनाओं से अलग हैं। इन बच्चों को, इन कपड़ों को पहन के बच्चे बारात में भी जा सकते हैं, बाजार में भी जा सकते हैं। दोनों कपड़े खाकी ऊपर और नीचे का, ये खाकी तब अच्छा लगता है जब कंधे पे कुछ स्टार भी लगे हों, कुछ सितारे भी लगे हों, कुछ बैजेस भी लगे हों। अदरवाइज ये हीन भावना का प्रतीक है। मुझे मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने प्राथमिक शिक्षा में सुधार लाने के लिए ड्रेस वितरण से लेकर के बैग वितरण से लेकर अब स्वेटर वितरण करेंगे। इसके अलावा शिक्षा की गुणवत्ता पर भी ध्यान देंगे क्योंकि हमारा बेस है, बुनियाद जब मजबूत होगी तो निश्चित तौर से शिक्षा की जो इमारत है बहुत मजबूत होगी। ये शिक्षा सरस्वती का मंदिर है। ये पढ़ने वाले बच्चों में आज मुझे बी एस ए साहब ने बताया कि 12,000 बच्चों का प्रवेश जब से ये ड्रेस स्वेटर और बैग वितरण हो रहा है, इससे भी बच्चों की पढ़ने की संख्या में इजाफा।